ऐसा महसूस करते हैं सर, इस देश के 90% शिक्षित नेता जो है आपका वीडियो देखते हैं सर, और उसमें इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, शायद आपको ये बात नहीं पता है, और रेलवे मिनिस्टर भी आपका वीडियो देख चुके हैं सर। इसका मतलब हुआ कि देश में सबसे ज्यादा मांग अगर किसी की है तो बेस्ट टीचर्स की है। हम इस बेस्ट टीचर निर्माण करने को और सामान्य व्यक्ति को लगे कि भाई टीचर बनना एक बड़ा गौरवपूर्ण काम है और मैं बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और किसी टीचर से पढ़ाई करने के लिए आपने स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ देखी है, अगर टीचर के पढ़ाने का तरीका ही अनोखा हो तो ये सपना नहीं हकीकत। और आप भी जैसे शिक्षकों के वीडियो के वजह से जो है ना, शायद इसमें सुधार भी होने वाला है, कैसा महसूस करते हैं सर आप? देखिए, हर कोई इंसान हम कैसे महसूस कर सकता, हमको काफी मतलब मेरा सपना रहता है कि देश बदलना चाहिए, तो देश बदलने में ना काफी वो मतलब आप थकवे नहीं कीजिएगा, जब आपको लग जाएगी नहीं हमको एक देश के पूरे सिस्टम को जो अंग्रेज जो गड्ढा खोद के गए उसको बदलने, तो एक काफी खुशी होती है ना कि अब एक ऐसी पीढ़ी जाग रही है जिसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसी पीढ़ी जाग रही है और शिक्षा के क्षेत्र से ही जागेगी, उसको हम जगा के रहेंगे। लेकिन हाँ, यही कोशिश करना रहता है कि हर इंसान नहीं पढ़ सकता, आपको विश्वास नहीं होगा, हम एक बार जा रहे थे ऐसे गाड़ी में जाम लगी थी पटना में, तो हम आपको क्या बताया, जाम यहाँ की कॉमन समस्या रहती, तो एक आदमी सब्जी बेच रहा था ठेले पे, उसका बेटा ना क्लास कर रहा था, हमारा ही क्लास लेके, तो हम गाड़ी का शीशा नीचे करके हम कहे बाबू किसका क्लास कर रहे हो, तो कह रहा है डिस्टर्ब मत करो हमको, फिर ध्यान से देखा तो कह रहा है प्रणाम सर, तो सोचिए सर ठेला वाला का लड़का कहां से बड़ी बड़ी फीस देके पढ़ सकता है, तो हम भी यही कहते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि कम से कम फी में बेहतर से बेहतर शिक्षा गाँव के कन्याकुमारी के आखिरी गाँव तक पहुंचना चाहिए।